तो जी लास्ट लेक्चर में हमने किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नस्ट इक्वेशन। मैंने आपको फॉर्मूला करा दिया था, ठीक है जी, जिसमें ई सेल था वो हमारा इक्वल टू जीरो हो रहा था। तो यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेट द, आज क्वेश्चन ही करेंगे उसके, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। क्वेश्चन दिया हुआ है, जिंक सॉलिड था वो कॉपर प्लस टू से, ठीक है, कॉपर प्लस टू के साथ रिएक्ट कर रहा है और कॉपर सॉलिड और जिंक प्लस टू एक्वस बना रहा है। हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं जिंक के और कॉपर के -0.76 एंड 0.34 वोल्ट्स। तो ये चीज़ हमें गिवन थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। नाउ लॉग के सी, लॉग के सी इज इक्वल टू 0. क्या हो जाएगा, नहीं फॉर्मूला गलत दिखा रहे हैं हम। एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591 ये आ जाएगा। नाउ अब देखो यहाँ पे हम बात करें, ई नॉट सेल निकालते हैं। पहली बात कैथोड और एनोड, अब इसकी वोल्टेज ज़्यादा था तो ये दिस विल एक्ट एज कैथोड और दूसरे वाला एनोड। आपको रिएक्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये ध्यान रखिएगा रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना हो। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इट विल एक्ट एज कैथोड। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। और 90% क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन हो, 95% इवन 98% में, तो इसलिए बट थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी वो ट्रिकी ट्रिक कर सकता है। 0.76, तो हमने यहाँ पे इसे निकाला तो इट कम्स टू बी 1.10 वोल्ट्स। तो ई नॉट सेल आ गया साहब हमारे पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, देखो ये जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 ई नॉट सेल है हमारे पास। सो लॉग के सी इज इक्वल टू 2 × 1.1 अपॉन 0.0591, राइट। चलिए डिवाइड कर लेते हैं भैया इसे, 2 × 1.1 डिवाइडेड बाय 0.0591, 37.22। टू टू फाइव जीरो इसे पूरा ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 37.2250। अब हमारे पास क्या है, हमें के सी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्या है, लॉग के सी की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के सी विच इज इक्वल टू एंटी लॉग 37.2250। अब हम क्या करेंगे, लॉग टेबल खोल, एंटी लॉग टेबल खोलेंगे, उसमें 0.22 ढूंढेंगे। 0.22 की हम वैल्यू 5 पे चेक करेंगे, 0.22 की वैल्यू 5 पे चेक करेंगे तो वो कितना आता है हमारा, 1679, 1679। तो हम फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, × 10⁻³। तो भैया केसी की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 1.679 × 10⁻³। तो इक्वल केसी की वैल्यू क्या है, बहुत लार्ज है, तो मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम मेरा राइट हैंड साइड पे लाई करेगा, मतलब जो है रिएक्शन है वो हमारी हाईली स्पॉन्टेनियस होने वाली है, जो रिएक्शन है वो हमारा हाईली स्पॉन्टेनियस है, राइट, क्लियर है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो भैया। हाँ जी, नोट डाउन कर लिए, तो आगे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
calculate the equilibrium constant for the cell reaction (4Br- plus O2 plus 4H positive). This will give us 2Br2 प्लस 2H2O और यहाँ पे हमें E नॉट सेल गिवन है. E नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.16 वोल्ट्स. बस फिर से KC निकालना है. नाउ लॉग KC मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ. N E नॉट सेल अपॉन 0.0591. अब हमें करना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये चेक करना है कितने हैं. सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना ही हमारे लिए यहाँ पे खेल है. ई नॉट सेल गिवन है, एन इक्वल टू क्या आएगा, लेट्स सी. यहाँ पे बी आर माइनस था, मैं यहाँ पे इसे से लिखता हूँ बी आर माइनस. वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी आर टू में. तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें 2Br चाहिए ताकि यहाँ पे हो सके. अब एक ब्रोमीन, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -1, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. बट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे, 4. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4Br- दिस विल गिव अस 2Br2. तो भैया 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे थे, तो 4 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन. ये हो गया. अब उसके बाद देखो यहाँ पे भी यही है, 4H पॉजिटिव से H2 हो जा रहा है, तो ये भी क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तभी जाके वो H2 बनाएगा. नाउ तो log KC इज इक्वल टू 4 इंटू E नॉट सेल 0.16 अपॉन 0.0591. राइट, सॉल्व कर यहाँ पे 4 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाय 0.0591, 10.8 या 8 है तो 83 ले लेता हूँ यार इसे. ठीक है जी, अब केसी चाहिए, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग टेबल खोलते हैं. देखो लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में हमें इसकी कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पॉइंट से ही दिखाता है, तो 0.83 दिखाएंगे. सो केसी विल बी इक्वल टू, ये जो भी होता है ना डेसिमल के लेफ्ट साइड पे, वो तो पावर हो जाता है, इंटू 10^10, दैट्स इट. इसका कोई वो नहीं है. अब यहाँ पे बचेगा 0.83, तो 0.83 की वैल्यू हम जीरो पे चेक कर लेंगे. एंटी लॉग टेबल में हमने खोला एंटी लॉग टेबल और उसमें 0.83 ढूंढा. 0.83 की वैल्यू जीरो पे कितनी आनी है, 6761. तो ये आ गया 6761. अब एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, 6.761 इंटू 10^10, दैट्स इट. आ गया आंसर, दैट्स इट. कोई मुश्किल नहीं है यहाँ. ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी बताइए जी, भाई बहनों क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये CBSE 2009 में आया था. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन. ठीक है, लॉग टेबल का आप खुद से देख के बताएंगे कैसे होएगा. इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे ज़रूरत हुई तो.
चलिए शुरू हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन निकालिए, लॉग एंटी लॉग की वैल्यू आप खुद से चेक कर लीजिएगा। तो भैया इसमें भी हमें केसी ही निकालना था। ई नॉट सेल निकाल लेते हैं पहले। अब ई नॉट सेल कौन सा आएगा, ये कैथोड या ये कैथोड, दोनों की वैल्यू इसमें ज़्यादा कौन सा, ये वाला है, तो ये कैथोड हो जाएगा एंड दिस विल एक्ट एज एनोड। तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू -0.40 -0.44, तो इट कम्स टू बी 0.04 वोल्ट्स। ठीक है जी, दिस इज द ई नॉट सेल और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। लॉग के सी इज इक्वल टू 0 n ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, n की वैल्यू तो 2 थी, सो 2 × 0.04 / 0.0591। पॉइंट 0.04 × 2 / 0.0591 1.3536। तो बस यहाँ पे 0.35 की 3 पे और 6 पे वैल्यू चेक करेंगे एंटी लॉग टेबल में और आंसर आ जाएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो KC विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3536, दैट विल बी इक्वल टू, अब ये 1 था तो इंटू 10^2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है जी, एंटी लॉग टेबल खोलते हैं हम, 0.35 ढूंढते हैं, 0.35 मिल गया, उसकी 3 पे वैल्यू चेक करते हैं तो वो कितनी आ रही है, 2254। और उसके बाद 6 पे 3, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2257 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2.257 × 10^2 और यू कैन से 22.57। केसी का वैल्यू आ जाएगा 22.57। कोशिश करो कि 3 या 4 डेसिमल तक लेके चलें, 2 डेसिमल तक मैंने वैसे ही कर दिया था इक्वेशन, अदरवाइज कोशिश करो कि 3 डेसिमल तक हम करें, 3 या 4 डेसिमल तक, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने में बहुत बड़ा इशू तो है नहीं कि हमने ना एंटी लॉग टेबल मिलेगा वहाँ पे उसकी वैल्यूज वहीं से देख के पुट करनी है। चलिए जी ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ अलग हट के क्वेश्चन है, मतलब उसमें अलग चीज़ निकालनी है, क्या है हमारा इसमें ई नॉट सेल निकालना है, बाकी सब हमें गिवन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए से ए प्लस टू जा रहा है, बी प्लस टू से बी जा रहा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, ई नॉट सेल हमें निकालना है राइट। और यहाँ पे के सी की वैल्यू हमें गिवन है 10, लॉग के सी की नहीं है, के सी की है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिखते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 / n log KC। तो इस तरीके का हमारे पास कुछ फॉर्मूला था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, log KC 10 है, तो log 10 कितना होता है, 1 होता है जी, और यहाँ पे 0.0591 / 2 log KC log 10, log 10 is 1, so it comes to be 0.0591 / 2, it will be
0.0295 volts. E naught cell will be equal to this. तो ये आंसर आ गया. इसमें तो कोई बहुत मुश्किल थी नहीं. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने और चेंज किया है. इसमें क्या किया, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और एक ही स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा था. एक ही स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है और एक में डिक्रीज कर रही है. यहाँ पे प्लस वन ऑक्सीडेशन था तो यहाँ पे जीरो हो गई और यहाँ पे आ गया प्लस टू. तो अब आपको यहाँ पे देखना है कहाँ पे, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है. ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन. ठीक है जी. तो पहले रिएक्शन हमें गिवन है. यहाँ पे हम यहाँ से क्या निकालते हैं, ई नॉट सेल. पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो क्या रहा है. अब देखो यहाँ से इधर तक जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है. ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे हो रहा है भैया रिडक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है. जहाँ रिडक्शन होता है वो क्या होता है भैया, कैथोड. और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, एनोड. कीप इट सिंपल, बहुत सिंपल सी थ्योरी रखनी है ताकि ये चीज़ें हमें याद रहें. बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं. तो ये देखो यहाँ से ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है. तो हम यहाँ से क्या करते हैं भैया, पहले ई नॉट सेल निकाल लेते हैं. ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. ई कैथोड माइनस ई एनोड. तो कैथोड कौन सा है, कॉपर प्लस से कॉपर जा रहे हैं तो ये वाला कैथोड हो गया. 0.52 माइनस, यहाँ पे कॉपर प्लस से कहाँ जा रहे हैं, कॉपर प्लस टू तक, तो माइनस 0.16. तो ये कितना आ जाएगा, पहले माइनस सिक्स आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 1 3. सो 0.36 वोल्ट्स आ जाएगा. ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.36 वोल्ट्स. ठीक है जी, ये आ गया. नाउ लॉग केसी निकालना है हमें, हमें सारा खेल यहाँ तक का था, क्या चीज़ हमारी कैथोड है क्या एनोड है. तो दैट विल बी इक्वल टू एन बाय ई नॉट सेल अपॉन 0.0591. क्लियर है जी. इतनी सी कहानी थी. एन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व जो हैं वो हमारे कितने हैं, 1, क्योंकि कॉपर प्लस से कॉपर तक जा रहे हैं, यहाँ पे कॉपर प्लस से कॉपर प्लस टू तक जा रहे हैं. तो एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी. सो 1 × 0.36 अपॉन 0.0591. सो इसे डिवाइड करके हम आंसर निकाल लेते हैं. 0.36 डिवाइड बाय 0.0591, 6.0913. 6.0913 केसी चाहिए हमें. टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स केसी की वैल्यू आ जाएगी. नाउ केसी विल बी इक्वल टू एंटी लॉग 6.0913. अब हम क्या करेंगे, 09 की 1 पे और 3 पे वैल्यू चेक कर लेंगे. एंटी लॉग पे टेबल पे आ गए हम. अब इसके अंदर हमने 0.09 ढूंढना है. 0.09 मिल गया. उसकी 1 पे वैल्यू चेक करें तो 1233 है, और उसकी 3 पे वैल्यू चेक करेंगे तो 1.
तो 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो थर्ड फोर्थ डेसिमल के लिए वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही थी। तो 1, 2, 3, 4, तो 1.234 अब ये क्या था, पावर हो जाएगा इनटू 10^6। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका केसी का। सो 1.234 इनटू 10^6। भैया यहाँ तक ये तो थे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, एक असाइनमेंट है वो आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, बट इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, अब गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी हमें बताता था एनर्जी विच इज़ यूज टू डू द यूजफुल वर्क, है ना, एनर्जी विच इज़ यूज टू डू द यूजफुल वर्क। ठीक है जी, तो वर्क डन होता था, अब वर्क डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डन होता था हमारा, तो उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लेते हैं किस टाइप के, द इलेक्ट्रिकल वर्क और एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज and electrical charge Q which flows through the cell. So W electrical is equal to minus E cell into Q. ठीक है जी, सेल प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, यहाँ पे E cell आ जाएगा into electrical charge Q. That's it. ठीक है, अब ये negative sign क्या बन रहा है, it indicate, negative sign indicates work is done, क्या होगा, by the system. Negative sign indicates that work is done by the system. On the surroundings. ठीक है जी, तो यहां से हम Q, कितना चार्ज मेरा फ्लो हो रहा है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन एफ, क्यू इज इक्वल टू एन एफ। ठीक है जी, Q
क्यू इज द चार्ज, और वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, एंड एफ इज द फैराडे कॉन्स्टेंट. एफ इज द फैराडे इज कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू होता है 96500 कूलम्स. ठीक है जी. अब देखो Q की वैल्यू थी, Q की जगह हमने NF लिख दिया, तो यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं. नाउ W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल. W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल. ठीक है जी. अब उसके बाद फ्री एक्सपेंशन, द फ्री एनर्जी चेंज the free energy change delta G for a process occurring at constant temperature occurring at constant temperature and pressure is the measure of useful work that can be obtained. That can be obtained. तो यहां से क्या हुआ, हमारा क्या निकल गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू non-expansion, work of non-expansion. ठीक है जी. डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन. ठीक है जी. द नॉन एक्सपेंशन वर्क, the non-expansion work done in this case is electrical work done. Electrical work done. ठीक है जी. और यहां से क्या आया, डेल्टा जी इज इक्वल टू minus NF E naught cell which is equal to W electrical, क्योंकि इसका opposite था. So delta G is equal to work of non-expansion which is equal to work done in electrical, W electrical. So delta G is equal to minus NF E naught cell which is equal to W electrical. ठीक है जी, clear है. तो भैया अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा. देखो ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ई सेल जो है दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो हमारी क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट डेल्टा जी क्या है, इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ये हमारा डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर. लेसन में पढ़ा था हमने, डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी.
याद रखिएगा, मैं इसके बाद आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके, कैसे ये इंटेंसिव है कैसे एक्सटेंसिव है, एंड इट्स वैल्यू डेल्टा जी इज एन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स अपॉन एन। ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमारी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है जी, एन 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 इज एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है जी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी डेल्टा जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए फॉर्मूला निकाल देते हैं। एक तो फॉर्मूला हो गया डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं रिलेशन बना रहा हूँ, जो मैं आपको चीज़ बोल रहा था मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा बाद में, जो ऑब्जेक्टिव वाली क्लास होती है उसमें कराऊंगा न्यूमेरिकल्स भी। अब एक चीज़ है यहाँ पे लिख लीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंटेनिंग अ मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट चलिए निकालते हैं। इफ टू हाफ रिएक्शंस हैविंग पोटेंशियल ई नॉन नॉट एंड ई टू नॉट are combined to give a third half reaction E naught 3, then delta G नॉट थ्री इज इक्वल टू डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल या ई नॉट थ्री सेल रहते हैं, ई नॉट थ्री विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट वन माइनस माइनस एन एफ ई नॉट टू। तो ये होएगा, ठीक है, तीनों में हमारे क्या हो जाएगा, एफ कॉमन आ जाएगा, तो माइनस एन ई थ्री नॉट इज इक्वल टू माइनस माइनस भी कैंसिल ही कर देते हैं भाई, एन एफ एन ई नॉट थ्री इज इक्वल टू एन ई नॉट वन प्लस
एन ई नॉट टू। यहाँ पे थ्री कर देते हैं, यहाँ पे वन कर देते हैं, यहाँ पे टू कर देते हैं। नाउ एन थ्री ई नॉट थ्री इज इक्वल टू एन वन ई नॉट वन एंड एन टू ई नॉट टू। तो इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा जी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर तीनों के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, अगर इक्वली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए तो ई थ्री नॉट इज इक्वल टू ई वन नॉट प्लस ई टू नॉट। इफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टिव में यूज होएगा, अदरवाइज सब्जेक्टिव में ये हार्डली कभी यूज होगा, ठीक है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन यूजली नहीं दिया जाता पेपर में। चलिए जी, हम करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही आने पेपर में। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, जिसका रह गया तो भैया पीडीएफ से देख लीजिएगा या वीडियो से देख लीजिएगा। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एट 25 डिग्री सी AU सॉलिड प्लस CA प्लस टू एक्वस 1M, दिस विल गिव अस AU प्लस थ्री एक्वस 1M प्लस CA सॉलिड। अब E नॉट की वैल्यूज गिवन है, E नॉट AU प्लस थ्री टू AU दैट इज इक्वल टू प्लस 1.50 वोल्ट्स एंड E नॉट CA प्लस टू टू CA दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2.87 वोल्ट्स, ये हमें गिवन था। अब A तो पॉइंट ये हो गया, हमें डेल्टा G नॉट निकालना है। अब वो बताना है कि प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। अब वो कैसे पता चलेगा, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या है मेरा, स्पॉन्टेनियस है, ठीक, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में है। चलिए, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस थी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ बराबर नहीं है तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए यू था सॉलिड स्टेट में, और वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ए यू प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और यहाँ पे था हमारा कैल्शियम प्लस टू, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो कन्वर्ट होएगा हमारा किसमें, कैल्शियम में, सॉलिड में। अब यहाँ पे थ्रू थ्री, यहाँ पे टू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को टू से और इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन मिल सके। सो दिस विल बी इक्वल टू टू ए यू सॉलिड प्लस थ्री सी ए प्लस टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व सिक्स हो गए, यहाँ पे भी सिक्स हो गए, गिव्स ए यू प्लस थ्री टू ए यू प्लस थ्री प्लस थ्री सी ए सॉलिड। सो दिस इज द रिएक्शंस इन्वॉल्व, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, सिक्स, क्योंकि छह इलेक्ट्रॉन जो थे वो हमारे यहाँ पे यूज अप हो रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। नाउ डेल्टा जी का फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल निकालते हैं, ठीक है जी।
अब यहाँ पे AU इसका पोटेंशियल ज़्यादा था, सो दिस विल एक्ट एज, बट रिएक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा तो ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पे ये गेन कर रहा तो ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा। देखो यहाँ पे प्रेडिक्ट था तो मुझे ये बताना है कि रिएक्शन काम करेगा या नहीं करेगा। तो ई नॉट सेल अगर मैं निकालने जाता हूँ तो वो क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, अब ई कैथोड कितना गिवन है, माइनस 2.87 माइनस 1.50, इसे ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4.37 विद नेगेटिव साइन। अब इसका पोटेंशियल ही क्या रहा है सर, मेरी मैथ की क्लास है सर, मैं जा सकता हूँ? ओके जी, ओके ओके, थैंक यू सर, वेलकम जी। सो ये आ गया हमारा माइनस 4.37 वोल्ट, ठीक है जी। अब वैसे ही इसे पता लग गया है कि यार हमारा जो सेल है उसका नेगेटिव पोटेंशियल है, तो नेगेटिव पोटेंशियल है तो उसको क्या करेगा, ये सेल काम नहीं करेगा, बट सेल चलो निकालते हैं ना। और डेल्टा जी इज इक्वल टू एन की वैल्यू 6 हो गई, एफ की वैल्यू 96500 कूलम्स इनटू ई नॉट सेल माइनस 4.37 वोल्ट। तो हम यहाँ पे इसे निकालते हैं तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 96500 इंटू 4.37, इट कम्स टू बी 2530230, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 2530.23 किलो जूल। डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है बट ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, वैल्यू क्या है पॉजिटिव आ रही है। तो बी पॉइंट का प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट, इट विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नॉट क्या है, इज पॉजिटिव, एंड ई नॉट सेल इज नेगेटिव। दिस शोज द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर हो गया? हाँ, इस रिएक्शन को आप उल्टा करोगे दैट विल बी स्पॉन्टेनियस, रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है जी, क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Calculate the cell EMF and delta G naught for the cell reaction at 298 Kelvin for the cell जिंक सॉलिड था प्लस नहीं है, सॉल्टी रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, जिंक प्लस 2 0.0004 m सॉल्ट ब्रिज, CD प्लस 2 0.2 m एंड CD सॉलिड। यहाँ पे इन्होंने ई नॉट की वैल्यूज हमें गिवन है, जिंक की भी और कैडमियम की भी। ई नॉट वैल्यू फॉर ZN प्लस 2 टू ZN
that will be equal to minus 0.763 volt, and E naught CD plus 2 to CD, that will be equal to minus 0.403 volts at 298 Kelvin. F की वैल्यू 96500। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अब ई एम एफ दे दिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नर्नेस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो ई नॉट सेल पहले चाहिए हमें, विच इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस सी एनोड। दिस विल एक्ट एज कैथोड, इसकी वैल्यू कम है और ये राइट साइड पे लिखा गया है। दिस विल एक्ट एज एनोड माइनस 403 माइनस 0.763, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 माइनस 0 6, यहाँ पे 7, 7 माइनस 3, तो 0.36 वोल्ट्स, ये हमारा आ गया ई नॉट सेल, राइट। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला था नर्नेस इक्वेशन का, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे, दोनों तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन, एक स्पीशीज दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरी स्पीशीज दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एन की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे पावर्स भी कुछ नहीं आएंगी। So this will be equal to 0.36 minus 0.0591 upon 2 log, now anode, anode is zinc, so its value will be 0.0004 upon 0.2. Isko solve kar lena hai, isko kar lena bhaiya, humne solve, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर देते हैं, इसे इनटू 10 कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू पावर 3। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.36, ये आ जाएगा 2 माइनस 0.02955 लॉग 2 इंटू 10 रेज टू पार माइनस 3, ये 10 रेज टू पार नीचे 3 था, ऊपर गया तो माइनस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0.36 माइनस 0.02955 लॉग 2, लॉग 2 कितना होता भैया, 0.3010, और ये कितना होएगा माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 लॉग 10 आना था, तो ये आ जाएगा माइनस 3। अब यहाँ से ये माइनस कर देंगे हम, सो 3 माइनस 0.3010 2.699 0.36 माइनस 0.02955 इंटू 2.699, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.0797, तो इसे मैं 0.8 ले लेता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.36 माइनस 0.08, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.28, सॉरी ये नेगेटिव था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.44 वोल्ट्स। तो भैया ई सेल जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 0.44 वोल्ट्स। देखो यहाँ से आप करोगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस 2.699 आ रहा था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारा ई सेल क्या आ रहा है 0.44 वोल्ट। अब हमें ऐसे ही डेल्टा जी निकालना है। नाउ डेल्टा जी का फॉर्मूला हमारा सिंपल था, डेल्टा जी इज इक्वल टू
माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब यहाँ पे ई सेल मत लगाना भैया, ठीक है जी। ओके, इन्होंने हमें स्टैंडर्ड का नहीं बोला, सिर्फ डेल्टा जी बोला है। अगर यहाँ पे डेल्टा जी नॉट बोलता तो जी, अब यहाँ पे इसने हमें स्टैंडर्ड के लिए नहीं बोला, सिंपल डेल्टा जी बोला है, तो उसके लिए हम माइनस एन एफ ई सेल लगा देंगे। अगर वो स्टैंडर्ड पूछता फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, तो हम यहाँ पे ई नॉट सेल लेते। सो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू एन की वैल्यू 2 होती 96500, और ई सेल अभी हमने निकाला 0.44, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 96500 × 0.44 84920। डेल्टा जी जूल्स में, राइट, क्लियर है। और ये आ जाएगा हमारा डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 84.92 किलो जूल। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84.92 किलो जूल। तो इस तरीके के हमारे यहाँ पे इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी। अब वो पूछ सकता है कि मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क में भी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डेल्टा जी ही निकालना है, क्लियर है जी। तो जी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन ई नॉट वैल्यू, मतलब कॉपर प्लस टू 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 इलेक्ट्रॉन कॉपर देगा, और यहाँ पे कॉपर प्लस टू एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर प्लस दे रहा है। इन दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हमें गिवन हैं, हमें निकालना है इसका ई नॉट सेल, सॉरी ये गिवन नहीं है, ये इसके लिए नहीं, वो तो यहाँ से निकल जाएगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E naught for this, for the reaction. अब इन्होंने रिएक्शन हमें दिया है, कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। देखो यहाँ पे उसने E naught वैल्यू बोल दिया इस रिएक्शन के लिए, और ऐसी कोई रिएक्शन यहाँ पे हो ही नहीं रही है, ऐसी कोई रिएक्शन हमारी यहाँ पे नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को नंबर 1 देते हैं, इस इक्वेशन को नंबर 2 देते हैं, और इस इक्वेशन को नंबर 3 दे देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मुझे ये वाली इक्वेशन चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, कैसे निकाला जाए, मतलब एक इक्वेशन कॉपर प्लस चाहिए मुझे कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये तो राइट हैंड साइड पे, तो इस इक्वेशन को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, और कॉपर चाहिए यहाँ पे, ये वाली सही रहेगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, रिवर्सिंग इक्वेशन 1 और रिवर्सिंग इक्वेशन 2 and subtracting equation 1, ठीक है जी, तो हमारा ये आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपर प्लस हो जाएगा, और कॉपर प्लस हो गया, और इधर की साइड क्या आएगा, माइनस, एक मिनट पहले सिर्फ यही इक्वेशन लिखते हैं, हम इक्वेशन 2 को ही रिवर्स करते हैं। कॉपर प्लस गिव्स विल गिव अस कॉपर प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इसका ई नॉट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 0.153 वोल्ट्स। अब इसे सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग से ऐड करने पे ही आ जाएगा, एंड एडिंग इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, एंड एडिंग इक्वेशन 1, तो व्हाट वी गेट, वो था कॉपर प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गिव अस कॉपर,
इसका ई नॉट सेम रहेगा, ई नॉट विल बी इक्वल टू 0.337 वोल्ट्स, ऐड कर दो। क्या आ जाएगा जी, कॉपर प्लस। अब ये कॉपर प्लस टू से कॉपर प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये आ गया हमारा कॉपर। तो इन दो इक्वेशन से ये तो आ गया। अब देखो इसका ई नॉट मुझे निकालना है। अब हमने पढ़ा था जो ई नॉट है, हाँ जी देखो पीछे जरा जाके मैंने थ्योरी में आपको लिखवाया था, जो हमारा ई नॉट है वो हमारा क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, ठीक है जी। ई नॉट जो है वो हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेल्टा जी जो है वो क्या है, हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी था, सॉरी डेल्टा जी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था और जो हमारा ई नॉट था वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी था। तो हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसके सेल पोटेंशियल निकाल सकें। चलो जी अब इस क्वेश्चन को करते हैं। नाउ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हमने एक इक्वेशन पढ़ा था। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन नंबर, इसे ले लो आप इक्वेशन नंबर 4 निकाल लो, है ना, या 3 ले लो, 3 थी ये इक्वेशन नंबर। तो यहाँ से हमने क्या किया, डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू क्या किया हमने, डेल्टा जी 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2। ये इक्वेशन 1 का था, ये इक्वेशन 2 का था, ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ डेल्टा जी नॉट 3 दैट विल बी इक्वल टू, डेल्टा जी नॉट 1 क्या था, माइनस एन एफ ई नॉट 1 माइनस एन एफ ई नॉट 2, और यहाँ पे हम निकाल देते हैं माइनस एन एफ ई नॉट 3, ठीक है जी। यहाँ पे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, अब थर्ड इक्वेशन में हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो माइनस एफ, एफ तो सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू ई नॉट 3 विच इज इक्वल टू माइनस एन। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे थे जी, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे, तो ये आ जाएंगे 2 ई नॉट 1, ठीक है जी। यहाँ से माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो रहा था तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, अब थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमारा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा था, तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, एन 2 ई नॉट 2। वैल्यूज पुट कर दो यार, वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ से ई नॉट 3 दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू ई 1, तो 2 इंटू 0.153, वही ई नॉट सेल तो वही रहेगा ना, रिडक्शन पोटेंशियल ले लेने हमने, तो 2 इंटू 0.53 माइनस 0.337 ये आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 × 2 = 3 माइनस 0.337 वोल्ट, ठीक है जी, क्लियर है जी। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, वैल्यूज को लत पुट कर दी हैं, 1 वाली की जगह 2 की पुट कर दी और 2 की जगह 1 की पुट कर दी। तो यहाँ पे 0.337 यहाँ पे आना था और यहाँ पे आना था 0.153। तो वैल्यूज पुट हुई हैं भैया, ध्यान रखिएगा। तो 3 नहीं, 7 टू 14 1
3 to the 6, 7, 0.674 minus 0.153. 0.521 वोल्ट्स. तो E नॉट 3 की जो वैल्यू आने वाली है दैट विल बी इक्वल टू 0.521 वोल्ट्स. तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है जी, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो. ठीक है जी, डेल्टा जी क्या था, हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, उसे इंटेंसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उन्हें सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल रहेगा. ठीक है जी,